हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो दोस्तों, एक नए लेक्चर में हम लोगों को प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ दोस्तों, जिसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, बस में करना, सिस्टम सिस्टम को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम ये कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड द डिजायर्ड रिस्पॉन्स बाई कंट्रोलिंग द आउटपुट। द फॉलोइंग फिगर शोन द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि आप जान रहे हैं, एक कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम एक कंट्रोल सिस्टम एक सिस्टम होता है विच प्रोवाइड जो प्रोवाइड करता है द डिजायर्ड रिस्पॉन्स जो हमें बाई कंट्रोलिंग द आउटपुट आउटपुट को कंट्रोल करके आउटपुट पर कंट्रोल करके। तो हम यहाँ पर जो ए है इनपुट है, ए आउटपुट है, कंट्रोल सिस्टम ए है जो हमें चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट जो चाहिए हमें वो हमें प्राप्त होगा। तो ये कंट्रोल सिस्टम है। ये है एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, वॉशिंग मशीन। जैसे कि वॉशिंग मशीन में अनेक प्रकार की, जैसे कि वॉशिंग मशीन को हम चालू करते हैं तो उसमें टाइम हम सेट कर देते हैं कि कितना समय बाद वो बंद हो जाए। और ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में भी हम लोगों को ये देखना रहता है कि ट्रैफिक लाइट 15 सेकेंड के लिए इधर की लाइटें जले, रेड हो जाए, फिर येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, उसी तरह से वो भी कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। तो आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। तो कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों के मध्य में कोई फीडबैक सर्किट नहीं लगाते हम लोग, कोई फीडबैक सर्किट हम नहीं लगाते। जैसे इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ, एक्चुअल सिग्नल हुआ, कंट्रोलर हुआ। लेकिन ये कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो कंट्रोल एक्शन को टोटली इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है आउटपुट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के आउटपुट से, देन इट इज कॉल्ड एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो उसे हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ए मैनुअल कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। कोई भी इसके उदाहरण जैसे कि हैं, जैसे कहा हमने पहले ही बात कर चुके हैं वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन में हमें आउटपुट से कोई मतलब नहीं, हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है कपड़ा धुलना। और हमें मिल क्या रहा है, हमें टाइम लगाना पड़ रहा है कितने समय बाद बंद हो जाएगा, चाहे वो धुला हो या ना धुला हो, या धुल पहले ही धुल चुका हो लेकिन उसके बाद भी बंद नहीं होगा टाइम से। तो आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ड्रायर, हॉट एयर आउटपुट कम आउट एज लॉन्ग एज योर कीप योर हैंड अंडर द मशीन इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच योर हैंड इज ड्राई। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक हैंड ड्रायर, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक हैंड ड्रायर में क्या होता है, हम अपना गीला हाथ उस मशीन के नीचे रखते हैं और वो उसे गर्म हवा दे करके सुखाने का कार्य करता है। और उसमें भी ये सेंसर नहीं लगा रहता है, वो हमेशा चलता रहेगा जब तक आप उसके हाथ नीचे हाथ लगाए रहेंगे, वो सेंसर डिटेक्ट करके कि हाथ आ गया है और वो सुखाता रहे, गर्म हवा छोड़ता रहेगा। जब आप हाथ हटा लेंगे, चाहे सूखा हो या ना सूखा हो, अगर आपका हाथ पहले से ऑलरेडी सूखा हुआ है, अगर उसके बाद भी आप उस पर लगाते हैं तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो गर्म हवा छोड़ता रहेगा। तो आउटपुट से वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन,
दिस मशीन रन अकॉर्डिंग टू द प्री सेट टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉशिंग इज कम्प्लीट ओवर और नॉट। जैसा कि हमने पहले बताया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन तब तक चलती रहेगी जब तक आप जो टाइम सेट किए हैं 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे हो ना जाए, भले ही आपका कपड़ा पहले ही धुल चुका हो या आधा घंटा का आप टाइम लगाएं उसके बाद भी नहीं धुला हो, लेकिन वो बंद हो जाएगा। ब्रेड टोस्टर, दिस मशीन रन एज पर एडजस्ट टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ टोस्टिंग इन कम्प्लीटेड ओवर और नॉट। टोस्टर मशीन, ब्रेड को अगर आप नाते हैं मशीन में, टोस्टर मशीन में, तो कभी कभी आपका ब्रेड थोड़ा जला हुआ भी आ जाता है, वो ये नहीं देखता, वो टाइम से निकाल देता है। और ऑटोमेटिक टी कॉफी मेकर, दीज मशीन आल्सो फंक्शन ऑफ प्री एडजस्ट टाइम ओनली, ये भी टाइम के हिसाब से चलती है, ये नहीं देखते कि काफ़ी बनी है या कुछ बना है, चाय बना है कि नहीं बना है। तो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। टाइम बेस्ड क्लोथ ड्रायर, दिस मशीन ड्राई वेट क्लोथ फ्रॉम प्री एडजस्ट टाइम, इट डज नॉट मैटर हाउ मच द क्लोथ आर ड्राइड। ये भी बात वही वॉशिंग मशीन वाली बात हो गई, जिसमें ये नहीं निर्भर करता जितना आप टाइम सेट किए हैं उतना समय में बंद हो जाएगा। लाइट स्विच, वॉल्यूम ऑन स्टीरियो सिस्टम, ये हो गए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का मतलब आउटपुट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। नंबर एक, सिंपल इज कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन। जैसा कि आप जानते हैं इसमें कोई फीडबैक या कोई एक्स्ट्रा सर्किट की जरूरत नहीं होती है, तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका होता है और डिजाइन भी सिंपल होती है। इकोनॉमिकल, जाहिर सी बात इकोनॉमिकल होगा। इजी टू मेंटेन, जब इसमें कोई फीडबैक सर्किट या अनेक प्रकार की सर्किटें नहीं लगी रहती हैं तो इसे इजी मेंटेन, जनरली स्टेबल, ये भी बात सही है। कॉन्वीनियंस टू यूज एंड आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर, आउटपुट को मेजर करने में, कोवियन टू यूज एंड आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर। आउटपुट जो होता है स्वतंत्र होता है, वो कोई भी आए उससे मतलब नहीं इसमें होता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड, दे आर इनएक्यूरेट, ये इनएक्यूरेट होता है। दे आर अनरिलेबल, ये अनरिलेबल होता है। एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली, अगर आउटपुट पे कोई भी चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली उसे सुधार नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, अगर कपड़ा पहले धुल गया या तब भी नहीं धुला है तब भी ये बंद होना है तो बंद होना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर ले तो, कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज एन अफेक्ट ऑन द इनपुट क्वांटिटी इन सच ए माइनर डेट द इनपुट क्वांटिटी विल एडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द आउटपुट जनरेटेड इज कॉल्ड ए कंट्रोल लूप कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे इनपुट है, एरर डिटेक्टर, यहाँ पे क्या त्रुटि है वो डिटेक्ट करेगा। कंट्रोलर प्लांट है, आउटपुट है। यहाँ से फीडबैक एलिमेंट्स आया है, इरर सिग्नल, एक्चुअल सिग्नल प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाले इनपुट और आउटपुट, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ये सब तो उसमें भी लगा था ओपन लूप में, इसमें लगा है फीडबैक एलिमेंट। इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट पे जो चेंजेस हैं उसके द्वारा इनपुट की क्वांटिटी में चेंज सुधार किया जाता है, सुधार होता है। इसमें जो है आउटपुट अगर चेंज होता है तो इनपुट को पे हमें इधर प्राप्त होगा। तो जैसे कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट स्वतंत्र नहीं होता है, वो आउटपुट पे चेंजेस होने पर इनपुट पर इरर डालेगा, इफेक्ट डालेगा, क्वांटिटी चेंज होगी, एडजस्ट करेगा उसे। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एक बात इसमें और बताते चलें,
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में सबसे बड़ी बात होती है इसमें फीडबैक सर्किट होती है। फीडबैक सर्किट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसे मेंटेन करने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा, इसका डिजाइनिंग भी कठिन होगा, वो तो हम आगे भी पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल लूप क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग एलिमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द आउटपुट टेम्परेचर ऑफ द आयरन। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, इस समय इलेक्ट्रिक आयरन आप लोगों ने पहले देखा होगा, वो गर्म होता था तो गर्म होता जाता था, उसे हम या तो स्विच बंद करके करें या उसे हम निकाल दें प्लग ही, नहीं तो अन्यथा वो हीट होता जाता था। लेकिन इस समय ऑटोमेटिक उसमें मशीनें लगी जाती है, टेम्परेचर वो मेजर कर लेता है और उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक करंट को काट देता है जिससे ज़्यादा वो गर्म नहीं हो पाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसा कि सबके घर में स्टेबलाइजर होता है, इसका क्या मतलब है, इनपुट कुछ भी आए, कम आए ज़्यादा आए, लेकिन हमें आउटपुट को मेंटेन रखना है। अगर कम आएगा तो उसे बढ़ा करके मेंटेन रखना है आउटपुट को, अगर इनपुट ज़्यादा आया तो आउटपुट को ज़्यादा नहीं करना है, आउटपुट को मेंटेन रखना है, उसे फीडबैक के द्वारा जितना एक्स्ट्रा होता है उसे भेज दिया जाता है फिर इनपुट पर। और वाटर लेवल कंट्रोलर, इनपुट वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वर। वाटर लेवल कंट्रोलर, जैसे कि आप वाटर लेवल कहीं पर हुआ तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी सर्किटें लगाई जाती हैं। मिसाइल लॉन्चर एंड ऑटो ट्रैकर बाय रडार, मिसाइल लॉन्च करने में ऑटोमेटिक, इसमें भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है और रडार ट्रैकर में भी लगा रहता है। एंड एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर बहुत से प्रकार के आते हैं, बहुत से ब्रांड के आते हैं, लेकिन आप उसमें एक ख़ास बात देखते होंगे कि अगर उस पर आप 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिए सेट, तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो वो चालू हो जाएगा, मतलब तेज़ी से कार्य करने लगा, उसको मेंटेन करके 20 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर नापने की लगी रहती है सिस्टम, वो नाप देगा। लेकिन अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो फिर मशीनें चालू कर देगा, और उससे उसके बराबर हुआ या उससे कम हुआ तो वो बंद कर देगा, तो नॉर्मली चलता रहेगा। वही बात हुई कूलिंग सिस्टम इन कार, कार में कूलिंग सिस्टम भी इसी की तरह से कार्य करती है। अब एडवांटेज ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरली। क्लोज लूप सिस्टम आर मोर एक्यूरेट अधिक एक्यूरेट इवन इन द प्रेजेंट ऑफ नॉन लीनियरली होता है। हाईली एक्यूरेटेड एज एनी एरर एरिस्ट इज करेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फीडबैक सिग्नल। कोई भी एरर आता है, हाईली एक्यूरेट आता है, एरर आता है तो प्रेजेंस ऑफ ए फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल के द्वारा भेजे गए सिग्नल को सुधारने का कार्य करता है। बैंडविड्थ रेंज इज लार्ज, इसकी जो बैंडविड्थ होती है ज़्यादा होती है। फैसिलिटेटेड ऑटोमेशन होता है। द सेंसिटिव ऑफ द सिस्टम मे बी मेड स्मॉल टू मेक द सिस्टम मोर स्टेबल। सेंसिटिविटी इससे के द्वारा सिस्टम मोर स्टेबल होता है। दिस सिस्टम इज लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, यह जो सिस्टम होता है वॉइस द्वारा बहुत कम प्रभावित होता है। ऑटोमेटिकली मशीन कहाँ वॉइस से ज़्यादा प्रभावित होती है, ये हुए इसकी एडवांटेज। एडवांटेज का समझो जो भी आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये फीडबैक के द्वारा कोई भी डिटेक्ट आता है, इधर आता है तो फीडबैक के द्वारा उसे पुनः भेज दिया जाता है और उसे फिर डिटेक्टर मशीन द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है इधर डिटेक्टर द्वारा। डिस एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दे आर कॉस्टलियर, ये कॉस्टली होता है। दे आर कंपेटेबल टू डिजाइन, इसकी डिजाइनिंग भी कठिन होती है। रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करने के लिए अधिक रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, इसे अधिक मेंटेन करने की जरूरत होती है। फीडबैक लीड ऑन द ऑसिलेटरी रिस्पांस, फीडबैक लीड इसकी जो है ऑसिलेटरी रिस्पांस करती है। ओवरऑल गेन इज इंड्यूस्ड टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक के द्वारा ओवरऑल गेन को रिड्यूस किया जाता है। स्टेबिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम एंड मोर
केयर इज नीडेड टू डिजाइन ए स्टेबल क्लोज लूप सिस्टम। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेज। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है द डिफरेंस बिटवीन द ओपन लूप एंड द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर मेंटेन्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर दो टेबल दिया गया है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में पहला, कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। इसमें क्या है, कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट किससे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट है। फीडबैक पाथ इज नॉट प्रेजेंट, ओपन लूप में फीडबैक पाथ नहीं होता है और क्लोज लूप में फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट। देयर आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसे नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं और इसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ईजी टू डिजाइन, इसे आसानी से डिजाइन किया जाता है ओपन लूप को, और क्लोज्ड लूप को डिफिकल्ट मतलब कठिनाई से डिजाइन किया जाएगा। देयर आर इकोनॉमिकल, देयर आर कॉस्टलियर, यह सस्ता होता है, यह महंगा होता है। इनएक्यूरेट, यह ओपन लूप इनएक्यूरेट होता है, यह एक्यूरेट होता है। तो ये हो गए डिफरेंट दोनों में। तो ये हो गए डिफरेंट। तो हमने आज क्या पढ़ा, तो हमने आज जो कंट्रोल सिस्टम के बारे में जाना, एक बार सरसरी निगाह से सब कुछ बता देते हैं। कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार से, दो शब्दों से मिलकर बना, कंट्रोल प्लस सिस्टम। कंट्रोल जो कंट्रोल करे सिस्टम, सिस्टम को कंट्रोल करने वाली युक्ति को कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इनपुट आउटपुट बीच में कंट्रोल सिस्टम होता है। इसका एक सटीक उदाहरण अब हम दे देते हैं, फैन ले लीजिए, कोई पंखा, उसका आउटपुट क्या है, उसका आउटपुट घूमना नहीं है, उसका आउटपुट है हवा देना। अगर उसमें पंखियां निकाल दें और सिर्फ वो फैन का मोटर है, जो मोटर है उसे वो घूमे, तो वो आउटपुट नहीं दे रहा है, वो एक सिस्टम है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम तब होगा जब वो उसमें पंखियां लगी हो, हवा दे, आउटपुट दे, तो हो गया एक सिस्टम। और उसे कंट्रोल करे तो उसके कंट्रोलर होता है ना, एक उसमें लगा रहता है जिससे हम कम तेज करते हैं, तो वो होता है। तो वो ओपन लूप हो गया, क्योंकि उसे हम ऑन किए, जितना है उतना वो देगा, उसे ना कोई टेम्परेचर की जरूरत है, ना कुछ की जरूरत है। तो ये बात हो गई, ये उसके हो गए, इसके और अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। फैन जैसा कि हमने बताया है। और उसके बाद आता है क्लासिक के नाम कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक सिग्नल नहीं होता है। इसमें इनपुट पे हमने दिया, आउटपुट पे जो भी प्रभाव पड़े मिले हमें उससे मतलब नहीं, आउटपुट सही है या गलत है। जितना टाइम हमने सर्किट पे सेट कर दिया, उतने समय में हमारी मशीनें बंद हो जाएंगी, चाहे वो कार्य हुआ हो या ना हुआ हो। और इसके बाद आता है इसकी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन, ब्रेड टोस्टर, ऑटोमेटिक टी कॉफी मेकर, टाइम बेस्ड क्लोज ड्रायर, लाइट स्विच, वॉल्यूम एंड स्टीरियो सिस्टम। एडवांसड अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इकोनॉमिकल होता है, इजी टू मेंटेन, जनरली स्टेबल, ये सब तो हमने पढ़ चुका है। डिसएडवांटेज भी एक इसके हमने पढ़ लिया। अब आगे आता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में उसी का उल्टा होता है, इसमें फीडबैक सिग्नल या एलिमेंट्स लगे होते हैं, जो आउटपुट को सही करने के लिए जो भी इरर आ रहा है उसे डिटेक्ट करके इरर डिटेक्टर तक भेजते हैं इरर सिग्नल को, और उसे एक्यूएटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करके कंट्रोलर के द्वारा फिर प्लांट में या आउटपुट को दे दिया जाता है और आउटपुट सही हो जाता है। इसके भी अनेक उदाहरण हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक आयरन, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, वाटर लेवल कंट्रोल, मिसाइल लॉन्चर, ऑटो ट्रैक्ड बाय रडार एंड एयर कंडीशनर, कूलिंग सिस्टम इन कार। और एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हमने पहले ही बताया, डिफरेंट इसके जान लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और दबाए बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो हाँ, एक बार बता दें कि इसके PDF भी हम बहुत जल्द अपने ऐप या किसी साइट के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम लाएंगे। इसके PDF पूरे बना करके जितने भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे बताएंगे उसके PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसके लिए चैनल से बने रहे, बहुत जल्द कार्य चल रहा है, बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में फैसिलिटी लाने वाले हैं। तो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका साइज डिप्लोमा पॉइंट। और हाँ, जो हमारा अगर ऐप लॉन्च होता है तो साइज ई स्किल के नाम से ऐप लॉन्च होगा, जिस पे कार्य चल रहा है उसमें बहुत सारी फैसिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है आगे चल के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।